हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 26 रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? कहता है कि कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको मालूम करना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला भी मैंने आपको बताया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल कितना दिया है, 5 लाख। ग्रॉस लॉस रेशियो 25%। एवरेज इन्वेंट्री 1,25,000। बी, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,50,000। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,75,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न 87,500। ओपनिंग इन्वेंट्री 67,500। क्लोजिंग इन्वेंट्री 82,500। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%। आपको लिखना है सबसे पहले ए, रेवेन्यू फ्रॉम, आपको सबसे पहले याद रखना ए में क्या, ए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, चाहे बोलिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाई, मतलब भागे एवरेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, तब आ जाएगा, कोई दिक्कत मत समझिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मालूम करना है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या ध्यान देना है, क्वेश्चन में दिया है भैया रेवेन्यू मतलब बेचे हैं 5 लाख का, ग्रॉस रेशियो, ग्रॉस लॉस 25%, एवरेज इन्वेंट्री दिया है। देखो भैया, हमको ये चीज़ जानकारी करनी है, इसमें लॉस हो गया है, इसमें क्या हुआ है, इसमें लॉस हुआ है हमारा। तो देखो, हमारा होता है सेल में से क्या करते हैं, फ़ायदा घटाते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, हमारा निकल के आता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं हुआ, ग्रॉस लॉस हुआ है। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि बेचे कितने का, सेल, वही कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बेचे हैं 5 लाख का, 5 लाख में से अगर फ़ायदा हुआ होता तो घटा देते तो कॉस्ट आ जाता, हमारा लॉस हुआ है, क्या हुआ है, ग्रॉस लॉस हुआ है 5 लाख का, क्या परसेंट, 25%, 25×5=125, 5 लाख का 25×125 5 लाख प्लस 1,25,000, 6,25,000 रुपया हमारा क्या आया, इतनी तो लास्ट हमारी क्या था, इतना तो हमारा लॉस हुआ है, सॉरी कॉस्ट थी ना, कॉस्ट इतना था, बेचा इतने में, तभी तो 1,25,000 रुपया 25% लॉस आया, तो हमारा क्या आया आपका कॉस्ट, 6,25,000 रुपया आपका आ गया है। अब एवरेज इन्वेंट्री, सॉरी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, हमारा कॉस्ट आ गया 6,25,000, एवरेज कितना दिया है 1,25,000, क्या आया, 5 टाइम का मतलब 5 गुना, एवरेज इन्वेंट्री का 5 गुना है कॉस्ट। ठीक है, याद रखना, सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट घटाएंगे तब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, अगर फायदा घटाएंगे तो घाटा घटाएंगे तब आएगा, घाटा जोड़ेंगे फायदा घटाएंगे, ये सब आप जानते भी हैं। अगला, ये पहला हो गया है 5 टाइम 5 गुना, बी नंबर अब आपको बताएंगे, इसको लिख लेना। बी में देखो बड़ा सा दिया, कैश रेवेन्यू मतलब नगद बिक्री दी गई है, क्रेडिट मतलब उधार 2,75,000 का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न मतलब होता है सेल्स रिटर्न दिया गया है, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेल में से फ़ायदा घटा दो, यहाँ पर भाई ओपनिंग क्लोजिंग वाला तो नियम लगेगा नहीं, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मालूम करने के लिए सेल में से ऐसे इसका फॉर्मूला बनेगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए आपको नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल में क्या ध्यान देना है, नेट सेल कैसे आएगा, देखो नेट सेल चाहे बोलिए चाहे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलिए, याद रखिएगा, चाहे नेट्स बोलिए चाहे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलिए, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो आपको क्या करना है,
इसमें दिया है कैश सेल 7,50,000 का, मतलब नगद बेचे हैं। उधार बेचे हैं क्रेडिट 2,75,000 का, 7,29,00,000, 10,25,000 आ जाएगा शायद, 10,25,000। रिटर्न बोला है 87,500, यह है रिटर्न। नगद बेचा, उधार बेचा, दोनों को ऐड कर देंगे, वापस चला गया, घटा देंगे सेल्स में से, सेल्स रिटर्न घटाते हैं, इसको आपको पता है 9,37,500 क्या आएगा, 9,37,500 आपका आ जाएगा। इसको लिखिए सबसे पहले, ए हमारा सेलिंग का मामला हो गया। हमें क्या चाहिए, कॉस्ट। कॉस्ट में क्या करना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए क्या करना है, ठीक है, चाहे यहाँ पर भी लिखना चाहिए था, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है, 20% दिया है। किस चीज़ का 20%, यही सेल कर होता है, 9,37,500 का 20%, 1,87,500, 9,37,500 माइनस 1,87,500, 7,50,000, याद रखना, नहीं तो कहना हमको समझ में नहीं आएगा भाई। नगद बिक्री है, उधार बिक्री है, विक्रय वापसी घटा दो, और ये फायदा है, फायदा क्या परसेंट बोला है, फायदा क्या परसेंट बोला, 20%, इसी का 20% निकाल के फायदा घटा दो। उसके बाद क्या है, 7,50,000 मारा गया। अब हमको चाहिए एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री में क्या करना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 67,500, ओपनिंग 67,500, क्वेश्चन में देखते चलना। क्लोजिंग में कितना दिया है, 82,500 भागे दो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, जो भी आए दो से भाग देंगे तो 75,000 आएगा। इतना सब कर लेंगे, दोनों को जोड़ के दो से भाग नहीं दे पाएंगे, सब कर लेंगे, छोटे छोटे बच्चे कर लेंगे। अब क्या आएगा हमारा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए क्या करना है, हमारा आया 7,50,000 कॉस्ट, इस 75,000 10 टाइम 10 गुना, इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन बताएंगे, अगला क्वेश्चन भी बड़ा है। जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे।